आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में जो शख्स कुर्सी पर बैठा हाथ में फोन पकड़े है वो है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। यह तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी की गई है। दावा किया जा रहा है कि यूएन में स्पीच के बाद नेतन्याहू ने लैंडलाइन के जरिए लेबनान में अटैक करने का आदेश दिया था। ये वही तस्वीर है। ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। नेतन्याहू के आदेश के बाद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें बरसाईं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में भारी तनाव की स्थिति बन चुकी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला के मुख्यालय पर 80 से ज़्यादा विस्फोटक गिराए गए जहां संगठन के चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति के बीच ईरान भी एक्टिव हो गया है। ईरान को भी अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर टेंशन पैदा हो गई है। ईरान ने भी अपने सर्वोच्च नेता अली खमेनी की सुरक्षा को देखते हुए एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया है और वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। साथ ही ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की एक आपात बैठक भी बुलाने की मांग की है। ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय मुद्दों के मद्देनज़र उठाया गया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने एक बयान भी इस सब को लेकर जारी किया। सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा है कि लेबनान में हमले से इजराइल की क्रूरता उजागर हुई है। इजराइल ने बर्बरता की है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है और इजराइल की वह नीति मूर्खतापूर्ण है। खमेनी ने कहा कि इजराइल ने गाजा युद्ध से कोई सबक नहीं लिया। हिजबुल्ला के सामने इजराइल एक छोटा सा देश है। हम लेबनान के साथ मजबूती से खड़े हैं। सुप्रीम लीडर खमेनी के एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए हैं जिसमें लिखा गया, ज़ायोनी अपराधियों को यह जानने की ज़रूरत है कि लेबनान के हिजबुल्ला को कोई विशेष नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने के लिए उन्हें बहुत देर हो चुकी है। क्षेत्र की सभी प्रतिरोध ताकतें साथ खड़ी हैं और हिजबुल्ला का समर्थन करती हैं। समान विचारधारा वाले बल इस क्षेत्र के भाग्य का निर्धारण करेंगे जिसका नेतृत्व माननीय हिजबुल्ला करेंगे। लेबनानी यह नहीं भूले हैं कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे और हिजबुल्ला ने उन्हें रोक दिया और लेबनान को गौरवान्वित किया था। आज भी ईश्वर की कृपा और शक्ति से लेबनान उल्लंघन करने वाले दुर्भावनापूर्ण दुश्मन को उसके कार्यों पर पछतावा कराएगा। ये सभी वो बयान हैं जो ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनी की तरफ से दिए गए हैं। वहीं इजरायली सेना IDF हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने का दावा कर रही है। हालांकि हिजबुल्ला की ओर से फिलहाल अभी ऐसा कोई इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि नसरल्ला की मौत हुई या नहीं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।